पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त कलाकार की, जिसने मुफलिसी में दिन गुजारे। बाप का साया बचपन में ही इसके ऊपर से उठ गया था, फिर भी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए ये बन गया आज के दौर का सबसे मशहूर डायरेक्टर, जिन्हें हम रोहित शेट्टी के नाम से जानते हैं। मैं भी हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था, मेरी दो फिल्में वहां रीमेक हो रही हैं, एक बोल बच्चन, एक गोलमाल 3। द टॉपिक इज ओवर कि हम साउथ की कॉपी करते हैं। इनका जन्म हुआ 14 मार्च 1974 में। इनके पिता मशहूर मारो फाइट मास्टर थे, जो कि एमबी शेट्टी या फाइटर शेट्टी के नाम से मशहूर थे। इनके पिता ने दो शादियां की। पहली शादी विनोदिनी जी से की, जिनसे दो बेटे हुए, एक का नाम हृदय शेट्टी और दूसरा उदय शेट्टी। बेटी हुई छाया शेट्टी। एमबी शेट्टी की दूसरी शादी हुई रत्ना से। इस शादी से जन्म हुआ रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी की 3 बड़ी बहनें हैं। जब रोहित शेट्टी बहुत छोटे ही थे, तब बाप का साया इन पे से उठ गया। एमबी शेट्टी साहब का इंतकाल हुआ और ये दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो गए। रोहित शेट्टी के परिवार के पास रहने को घर ना था, इसलिए ये अपनी ग्रैंड मदर के घर शिफ्ट हो गए, जो कि मुंबई के एक दूर दराज इलाके दहिसर में है। पर इनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी मुंबई के सांता क्रूज इलाके में। सबसे पहला ना मैं एक ये आई एम वेरी प्राउड टू से दिस एक टॉपिक ओवर कर देता हूँ। रोहित शेट्टी जानते थे कि ये कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है, इसलिए कॉलेज जाना मुनासिब ना समझा और सोच लिया कि अब ये फिल्मों में ही काम करेंगे। इनकी बड़ी बहन चंदा मशहूर मारूफ फिल्म मेकर राहुल रवेल के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करती थी। उन दिनों जाने माने डायरेक्टर कुकू कोहली भी राहुल साहब के साथ काम कर चुके थे। बस इन्होंने अपनी बहन से कहा कि किसी तरह से कुकू कोहली साहब के यहाँ मुझे लगवा दिया जाए। इनकी उम्र तब मात्र 15 बरस की थी। कुकू कोहली साहब ने तकरीबन 1.5 साल लिया मन बनाने के लिए कि इस नन्हे से लड़के को बतौर असिस्टेंट रखा जाए या न रखा जाए। 1.5 साल के बाद कहा कि रोहित, तुम आके मेरे साथ काम कर सकते हो। उसी दौरान की मुलाकात हुई जबरदस्त एक्शन मास्टर और डायरेक्टर वीरू देवगन से। वीरू देवगन साहब दरअसल शेट्टी साहब के दोस्त थे, इस वजह से वो रोहित शेट्टी का खास ख्याल रखा करते थे। बचपन से ऐसे ही हूं। ये वो वक्त भी था जब रोहित शेट्टी को मात्र 35 रुपए दिए जाते थे कन्वेंस के रूप में। कभी कभी ये पैसे इन्हें मिलते भी नहीं थे, पर धीरे धीरे इन्होंने इतना जुगाड़ कर लिया कि दहिसर से निकलकर ये मलाट के एवरशाइन नगर में शिफ्ट हुए, जहां पर इन्होंने एक घर लिया किराए पर। अक्सर ये पैदल ही अपने घर से नटराज स्टूडियोज पहुंचा करते थे। पैदल चलने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त बीतता था। एक वो वक्त भी था जब इनके परिवार के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तब इनकी माँ पहुंची थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर। बच्चन साहब ने इनके परिवार की माली तौर पर मदद की और आगे जाकर इन्हें बहुत सम्मान भी दिया। Truly a wonderful human being. जबरदस्त एक्टर अजय देवगन के साथ बहुत ही गैर मामूली रिश्ता है, ये इन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। कमाल की बात यह है कि अजय देवगन ने ही इनके बेटे का नाम रखा ईशान। इनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म रही जमीन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल ना दिखाया था, पर अजय देवगन साहब ने इनका साथ ना छोड़ा और इस वजह से आगे भी फिल्में इन्हें मिलती रहीं। फिर तो गोलमाल सीरीज, बोल बच्चन, सिंघम, इतनी सारी फिल्में इन्होंने सुपरहिट बनाई कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पैसा वसूल डायरेक्टर्स में से एक ये बन गए। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार और अजय देवगन स्टारर फिल्म सुहाग में रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के बॉडी डबल बने थे। इन्होंने अनीस बाजमी साहब के साथ भी काम किया, कुकू कोहली साहब के साथ काम किया और धीरे धीरे अपने लिए वो जमीन हासिल कर ली, जहां पर ये गर्व से कह सकते थे कि ये सबसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं। Who told you? नहीं, कहां से सुना? नहीं, खत्म हो गया टॉपिक। ये सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि टेलीविजन प्रेजेंटर भी बने, रियलिटी शोज में जज बने और रियलिटी शोज के एंकर भी। इनकी शादी हुई माया शेट्टी से। साल था सन 2005। रोहित शेट्टी उन गिने चुने फिल्म डायरेक्टर्स में से हैं जिनके साथ बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने काम किया है, चाहे अभिषेक बच्चन रहे या फिर अजय देवगन, शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक। I'm telling you honestly, it is easier to do action with the unit and the team that Rohit plans, organizes and the way he the process goes. ये सही है कि बचपन मुफलसी में बीता, लेकिन जवानी में कड़ा संघर्ष करने के बाद इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जो किसी और डायरेक्टर के लिए हासिल करना तकरीबन नामुमकिन सा है।